अतिक्रमण के खिलाफ नगरपालिका एक्शन मोड में आ गई है। नगरपालिका ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और दुकानों के सामने रखा सामान जब्त कर लिया। नगरपालिका की इस कार्यवाही का दुकानदारों ने जमकर विरोध किया, जिसके चलते दुकानदारों और नपा अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नगरपालिका अधिकारी का कहना है कि अतिक्रमणकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जिन दुकानदारों ने अस्थायी ढांचे खड़े कर फुटपाथों और सड़क पर कब्जा किया हुआ है, उनके ढांचे गिराए जाएंगे और उनके खिलाफ कोर्ट में केस डाला जाएगा। वीरवार को नगरपालिका सचिव रवि प्रकाश शर्मा की अगुवाई में अराईपुरा रोड से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ। पुलिस की मौजूदगी में नगरपालिका कर्मचारियों ने दुकानों के सामने रखे सामान को उठाना शुरू कर दिया। नगरपालिका द्वारा अचानक की गई इस कार्यवाही के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने अपने सामान को समेटना शुरू कर दिया। एक तरफ नपा कर्मचारी दुकानों के सामने से सामान उठा रहे थे, दूसरी ओर दुकानदार अपने सामान को समेटने में लगे हुए थे। सामान उठाने को लेकर नपा कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच खूब खींचातानी हुई, जिसका दुकानदारों ने विरोध भी किया। वहीं कुछ दुकानदार पुलिस व अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते भी नजर आए। दुकानदारों का आरोप है कि नगरपालिका ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए कार्यवाही की है, जिस कारण सामान का भी नुकसान हुआ है। नगरपालिका को पहले सूचना देनी चाहिए थी। फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा किए गए कब्जों को लेकर नगरपालिका ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। नगरपालिका ने फुटपाथ अतिक्रमणकारियों को मात्र 2 दिन का समय दिया है। यदि 2 दिन के अंदर फुटपाथ खाली नहीं किए जाते हैं तो नगरपालिका इन सभी ढांचों को JCB से तोड़ेगी। इसके साथ ही नगरपालिका अतिक्रमणकारियों पर कोर्ट में केस भी करेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्रलाल जी है। क्या एक आदमी का दुकान मेरा सामान उठा कर लेगा, सारा पड़ोसी का सारा सामान है पड़ा, उसका उठा ले रहे हैं, उसके साथ पैसे लेके बस सुलूकी कर रहे हैं। मेरा सारा कुछ सामान उठा लिया, उसे उसका एक सामान भी उठाया, मेरा सारा कुछ उठा के लेके भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कर रहे हैं बिल्कुल। नगर पालिका वाले कोई नोटिस वगैरह दिए? कोई नोटिस दिया हमारे को ना, कोई मनाती कराया कुछ नहीं कराया। एक आदमी के लेके भी बात करें उठा के लेके मेरा सारा सामान उठा के लेके, मेरा सारा फ्रूट उठा के लेके कमेटी वाले नगर पालिका वाले भेदभाव कर रहे हैं। मेरे पड़ोस में सारा सामान पड़ा, एक भी सामान उठा उसका वहां से। ठीक है, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया क्या कुछ मैं? जी देखिए, काफ़ी समय से शिकायतें मिली थी कि लोगों ने फुटपाथ पर कब्जा किया हुआ है, जिससे कि जो आम जनता है उसको बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी आज हमने पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज हमने सभी दुकानदारों का सामान उठाया है, कब्जे में लिया है और उनको साथ ही हिदायत दी है कि फुटपाथ जो है जनता के चलने के लिए है और जो सामान अपना अंदर रखें, उनका चालान किया जाएगा और सख्त से कार्रवाई। इसके अलावा कुछ साइड भी फुटपाथ पर बनाए गए हैं, उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? दी गई है कि वो अपना फुटपाथ तुरंत खाली करें, अगर वो खाली नहीं करेंगे तो उनको चालान कार्रवाई। इसके अलावा कुछ विरोध भी किया दुकानदारों ने? विरोध तो लोग करते हैं, उसका सामान हमने जब्त किया है वो लोग विरोध करते हैं। नगर पालिका पहले कई बार अभियान चला चुकी है, लेकिन फुटपाथ अतिक्रमण की समस्या ज्यों की त्यों है, क्या कारण रहता है? देखिए, लोग बार बार सामान बाहर पड़ लेते हैं, लेकिन अब हमने सोचा कि इस अभियान को हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, हफ्ते में 1 से 2 दिन इसको रेगुलर चलाएंगे। थैंक यू सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.